दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि अपनी गेम का आज न्यू अपडेट आने वाला है और न्यू अपडेट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होने वाली हैं आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज़ होने वाली है वो होने वाला है अपना एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, इस बार के अपडेट में अपना एयरपोर्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि एयरपोर्ट कुछ ऐसा हो जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो जाने वाला है। तो इस बार के अपडेट में अपना एयरपोर्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जितने भी एयरप्लेन अपने एयरपोर्ट पर खड़े मिलते थे वो अब खड़े हमको नहीं मिलेंगे। शायद अपने दूसरे एयरोप्लेन अपने गेम में ऐड हो जाएं तो वो एयरपोर्ट पर खड़े मिल सकते हैं। और एयरपोर्ट पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। आप अब गेम को खोलकर आप आखिरी बार अपना एयरपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इस बार के बाद अपडेट के बाद हम लोग को वो वाला एयरपोर्ट फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि एयरपोर्ट अपना कुछ ऐसा दिखता था, बट आगे अपडेट में हम लोग को कुछ ऐसा दिखने वाला है। शायद ये वाला एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा हो जो अपने अपडेट में आने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। तो बढ़ते अपने दूसरे अपडेट की तरफ। तो दूसरा अपडेट जो होने वाला है वो होने वाला है अपना न्यू कार शोरूम। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम में न्यू कार शोरूम भी ऐड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम में एक न्यू कार शोरूम भी ऐड होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो न्यू कार शोरूम है वो उसकी लोकेशन क्या होने वाली है अपनी पूरी सिटी में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो कार शोरूम की लोकेशन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस सिटी में अपने कार शोरूम की लोकेशन क्या होने वाली है। तो वीडियो के सारे अपडेट आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और आने वाले अपडेट की सबसे पहले वीडियो मैं आपको इस चैनल पर डाल दूंगा आपके लिए। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग अपने गेम में सारे अपडेट अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी चीट कोड अपने गेम में ऐड होंगे वो उसको भी आप लोग देख के यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद अपने गेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने कार शोरूम की जो लोकेशन होने वाली है वो अपने कंस्ट्रक्शन एरिया के साइड में होने वाली है। या दोस्तों, अपना जो कार शोरूम है वो कंस्ट्रक्शन एरिया के साइड में बनने वाला है। और दोस्तों खबर ये भी है कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया पे जो ब्रिज है, जो पुल है, वो टूटा हुआ है। तो शायद अपडेट में वो वाला जो पुल है उसको सही करने की कोशिश करी गई है। शायद अभी तो आप देख सकते हैं कि जो पुल है वो टूटा हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन इसको भी सही करने की शायद बात हो रही है। शायद अपडेट में ये हम लोग को सही मिले। तो यह पुल से पहले आप ये देख लीजिए, जो लोकेशन है कार शोरूम की वो ये वाली होने वाली है। तो इस जगह पर आपका कार शोरूम हम लोग को देखने को मिल जाएगा अपडेट के बाद। तो ये वाली लोकेशन कार शोरूम की होने वाली है। और कार शोरूम की फ़ोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार शोरूम की फ़ोटो ये वाली होने वाली है। तो ऐसा कुछ दिखने वाला है अपना कार शोरूम, जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंपली पुराने वाले कार शोरूम से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है न्यू वाला कार शोरूम। और देखते हैं हम लोग इस वाले कार शोरूम में कितनी कारों को ऐड कर सकते हैं, कितनी कारों को हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। तो अपडेट आने के बाद हम लोग सारे अपडेट की सारी जानकारी दोस्तों मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उसकी वीडियो भी आप देख लेना। और जो ब्रिज है उसको भी पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं एक बार ब्रिज के ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ कि अपना ब्रिज अभी कितना बनकर रेडी हुआ है और अभी कितना बाकी है। तो स्टार्टिंग में तो ये पूरा टूटा हुआ है और इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा बना हुआ है। तो दोस्तों अपडेट में ये भी बता रहे हैं कि ये वाला जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा बिल्ड कर दिया जाएगा, इस पर हम लोग अपनी कार बाइक कुछ भी चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट होगा कि इस ब्रिज को भी पूरा कर दिया जाएगा, इस पर हम लोग अपने कार से स्टंट कर सकते हैं, बाइक से भी स्टंट कर सकते हैं। और दोस्तों अपने गेम में न्यू स्पाइडर भी ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम में एक न्यू स्पाइडर को भी ऐड कर देंगे। तो वो एक एनिमल का चीट कोड होगा, वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा अपडेट आने के बाद। तो एक स्पाइडर को भी ऐड कर दिया जाएगा अपने गेम में, और न्यू कार शोरूम को भी ऐड कर दिया जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों अपना एयरपोर्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और दोस्तों एक एंडेवर कार है, उसका भी अपडेट इस बार के अपडेट में आपको देखने को गेम में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे अपडेट आज की अपडेट में आने वाले हैं। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।